ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ और उन्हें जो ये बयान दिता है कि श्री अनंदपुर साहब और चमकौर साहब की सीट पवित्र सीटा जिहड़ियां श्रोमणी अकाली दल ने बहुजन समाज पार्टी को देतियां जिस तों उहदी गल दा मतलब निकलता है कि पवित्र सीटा ते जेकर दलित उम्मीदवार खड़नगे तां इह सीटा अपवित्र हो जाणगियां उहनूं शर्म आउणी चाहीदी है इह गल कहण तों पहलां पंज प्यारियां दा हुक्म मन के ताड़ी वजा के उत्थों गए आ माछीवाड़े दे जंगलां वल नूं तां उहनां ने भी अपनी कलगी ते अपना वस्त्र इक दलित सिंघ नूं ही दित्ता सी इसने अनकंस्टीट्यूशनल देश विरोधी इन्हें गल की है बीते दिन कांग्रेस के एम पी रवनीत बिट्टू वालों श्री आनंदपुर साहब से चमकौर साहब की सीट न लैके दिते बयान लैके पंजाब भर के दलित भाईचारे वालों विरोध किया जा रहा अज रोपड़ के दलित भाईचारे तो अकाली दल वालों विरोध किया गया पुतला साड़िया गया की सारी गलबात गल करते इन्हों के नाल सर अज पुतला फूकया गया दलित भाईचारे वालों की नाम है सर पहला सब तो पहला मास्टर रामपाल व्याणा जिला प्रधान बहुजन समाज पार्टी रोपड़ की सारा बयान मामला की है की बयान है तो कि जोड़ा है रोस पाया जरा अज पूरे पंजाब रवनीत बिट्टू की एक वीडियो वायरल हुई है जिस दे विच उन्होंने बार बार ये गल कही है भी जिहड़ी श्री आनंदपुर साहब की अते श्री चमकौर साहब दीआं विधानसभा दीआं सीटां है अज भी बहुजन समाज पार्टी नूं दित्तियां गईआं है जो कि यह पवित्र सीटां हन और यह एसी भाईचारे की नुमाइंदगी करदी बहुजन समाज पार्टी नूं दित्ती गई है और ये कहिंदे गलत कीता गया उहदी जिहड़ी दिल की आवाज़ आ उह कह रही है भी जिहड़ा दलित समाज नूं सीटां दित्तियां गईआं ये सीटां पवित्र नहीं अपवित्र हो जाणियां हन और असीं जदों तों वीडियो वायरल होई है पूरे पंजाब दे विच घर घर गली महल्ले दा विच इहदा विरोध हो रहा है और अज असीं रोपड़ दे विच आ के इसका पुतला फूकण दा फैसला किया है साडे सूबा प्रधान जसवीर सिंह गढ़ी ने और इहदे उपर परचा दर्ज करन संबंधी दरखास्त दित्ती है मैं समझदा इहदे उपर एससी एसटी एक्ट लागू होना चाहीदा है एससी एसटी एक्ट लागू होकर यह बंदा सलाखां दे अंदर जाना चाहीदा है और मैं समझदा जिस दिन तो बहुजन समाज पार्टी और श्रोमणी अकाली दल का समझौता होया ये बंदियां दी नींद उड़ गई है और ये इस तरह गलियां महल्लियां विच घूमदे हन कि साडे समझौते नूं तार पीडो करन वास्ता अज रजिंदर कुमार जी बिंदी जी जिहड़े कि भावा दास दे सीनियर मीत प्रधान हन पंजाब दे और अकाली दल दे इस रोपड़ दे प्रधान हन एससी विंग दे और इन्होंने यह मतलब अज दा जिहड़ा इकट्ठ है ये इन्हों की हाजरी का बच्चे इन्हों की हाजरी में होया है प्रधान जी चोणा आ रही नज़दीक है जोड़े लीडर इन्होंने पिंडा दलितों दो वोटा मंगन भी जाना फिर दलितों का की रुख रहेगा वोटों के इन्हों प्रति दलतों का यह रवैया जोड़ा जोड़ा बिट्टू ने अज वीडियो वायरल की है लोग बहुत गुस्से और ये गुस्से गुस्से का हजार विधानसभा चोणों में क्ढणगे और लोग नहीं चाहते भी अज कांग्रेस की सरकार मुड़का आएगी मैं समझदा हर सीट के उपर इन्हों जी बहुत नमोशी होगी और जबानत जब्त होगी इस जबानत जब्त के नाल हुण बार बार माफ़ी भी मंगता है पर साडे सूबा प्रधान ने जिस तरह परचा दर्ज करन संबंधी दरखास्त दी है और 22 तरीक का नोटिस इन्हूं मिलिया है एससी एसटी एक्ट द्वारा मैं समझदा विधानसभा चोणों दा विच इन्हां दा बहुत बुरा हाल है और सारा जिहड़ा मतलब साडा एससी समाज है वह बहुजन समाज पार्टी और श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार बड़े पद्धर से जिता के अज असी इस दे वीडियो का वायरल जी हुई है वह ना बदला लवेंगे हाँ जी सर की नाम है तो की कहना चाहते इस मुद्दे को लैके अज प्रोटेस्ट किया मैं परमजीत सिंह बक्कड़ मैंबर पोलीटिकल अफेयरस कमेटी श्रोमणी अकाली दल जो श्रोमणी अकाली दल तो बहुजन समाज पार्टी का समझौता होया उहदे नाल मैं समझदा विरोधियों की खास तौर पर कांग्रसियों की जिहड़ी नींद है उड़ गई है और इसे घबराहट ते बुखलाहट चा के रवनीत बिट्टू भी अपनी सुध बुद्ध जिहड़ी आ खो बैठा और उन्हें जो ये बयान दिता है कि श्री आनंदपुर साहब और चमकौर साहब की सीट पवित्र सीटा जिहड़ियां श्रोमणी अकाली दल ने बहुजन समाज पार्टी को देतियां जितों उहदी गल दा मतलब निकलता है कि पवित्र सीटा ते जेकर दलित उम्मीदवार खड़नगे तां इह सीटा अपवित्र हो जाणगियां उहनूं शर्म आउणी चाहीदी है इह गल कहण तों पहलां शर्म आनी चाहिए सी कि वह श्री आनंदपुर साहब की धरती तो मैंबर पार्लीमेंट रहा तो वह श्री आनंदपुर साहब का इतिहास रंगरेटे गुरु के बेटे का इतिहास
और इधर श्री चमकौर साहब विखे जदों गुरु गोबिंद सिंह जी पांच प्यारियां दा हुक्म मन के ताड़ी बजा के उत्थों गए आ माछीवाड़े दे जंगलां वल नूं तां उन्हां ने भी अपनी कलगी ते अपना बस्तर एक दलित सिंह नूं ही दित्ता सी। उह इन्हां सारियां गल्लां नूं भुल के उन्हें गल कीती है और अज दा इकट्ठ असीं श्रोमणी अकाली दल रोपड़ वल्लों और बहुजन समाज पार्टी वल्लों सरकार तों इह मंग कर रहे हैं कि इहदे खिलाफ़ जिथे SC ST एक्ट का परचा दर्ज किया जाए उत्थे धार्मिक भावनावां भड़काउण दा परचा भी दर्ज करके इहनूं सलाखां दे पिछे दित्ता जाए। बिल्कुल कई साहब तुसीं वकील भी हो, किवें देखदे हो जिहड़ा जो शब्द कहे आ उहदे कानून दे तहत किहड़ियां किहड़ियां धारावां दे तहत उहनां दे खिलाफ़ जिहड़ी कारवाई बनदी है? एडवोकेट अचरणजीत सिंह कई जोन इंचार्ज बहुजन समाज पार्टी पंजाब श्री हलका आनंदपुर साहब तों अज पंजाब निवासियों नूं भारत निवासियों नूं दुनिया नूं इह अपील करदा जो रवनीत बिट्टू ने अनपार्लीमेंटरी अनकॉन्सटीट्यूशनल शब्द कहे हैगे आ कंटैंप्ट ऑफ कॉन्सटीट्यूशन आ इहदे खिलाफ़ भारतीय संविधान की भारतीय संविधान के इंडियन पिनल कोड के मुताबिक 295A 296A इस तों इलावा SC ST एक्ट दीआं धारावां 1, 2, 3 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और खास तौर पर बिट्टू के खिलाफ़ देश द्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया जाए। असी सोनिया गांधी तो राहुल गांधी तो भी ये मंग करते हैं भी इनू कांग्रेस पार्टी की मुढ़ली छेबर तो खत्म इनू खारिज किया जाए और भारत के स्पीकर को मंग करते हैं ये जी मैंबरशिप हैगी लोग सभा की वो खारिज की जाए क्योंकि इसने अनकॉन्सटीट्यूशनल देश द्रोह की इन्हें गल की है। अज पंजाब का बच्चा बच्चा रवनीत बिट्टू कहता है रवनीत बिट्टू बारे ये कह रहा रवनीत बिट्टू हाय हाय। हाँ जी प्रधान जी की नाम है? मैं जयदार भाल सिंह रोपड़ तो। रोपड़ तो रवनीत बिट्टू भी पहला आनंदपुर हल्के तो जी है चोन लड़के गए जितते भी सी ते थोड़ी वोटा लेके जितते सी ते हुण जिहड़ा बयान आ उसनू किवें देखदा दलित भाईचारा? ये जिहड़ा सियासी है ना इहदा बयान मिटमा मारना बंदे नूं सारी जिंदगी करी हुई मेहनत खूह पै जी जो बंदा एक मिनट लग चज ना बोले ये बोलने के नाल क्या होया साढ़े जिहड़े हरियाणा रमदास जी जिन्हें भी साढ़े दलित समाज है लोग बैठे उन्होंने दुख होया भी देखो असी क्या धार्मिक स्थान से लड़ नहीं सकते 1970 जनता पार्टी टिकट से मेरे फादर साहब लड़े थे सर माधो सी जनता पार्टी से MLA बने 1970 तो आप 40 साल बाद ये गल कहते भी तुम धार्मिक स्थान से BSP टिकट देता BSP वाले से उसे सिखने चाहिए असर सिखता साढ़े असी लोग आ जिन्होंने गुरु गोबिंद सिंह ने कलगी दी है असी उन्हों का शीश लेके आए हैं साढ़ा हक मनता ये रमनीत बिट्टू ने अपनी कां की पिछड़ खत्म करती ये बद हो गया इधर थोड़े बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल ने ताकत मिली है। धन्यवाद थोड़ा। सो बिल्कुल वाकई जिथे कांग्रेस के अंदरूनी कलेस ने कांग्रेस दी मुश्किलां बधाईया हुई हैं उत्थे ही हुण रवनीत बिट्टू के इस बयान ने कांग्रेस और रवनीत बिट्टू दी मुश्किलां दे विच होर वाधा कर दिता है। आने वाले दिनों के दलित भाईचारे का यह संघर्ष होर कितना तिखा होगा यह दिखना होगा। हालांकि रवनीत बिट्टू ने इस नूं लैके माफ़ी भी मंगी है परंतु दलित भाईचारे का जिहड़ा हैगा कहना कि वह हर हालत के दलित भाईचारा जिहड़ा हैगा रवनीत बिट्टू के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करवा के ही दम लगेगा तो नोटिस भी दिता गया है तो हुण देखना होगा इस मामले को लैके आने वाले दिनों में की कुछ हुंदा है कि रवनीत बिट्टू को माफ़ी मिलती या फिर दलित भाईचारा उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करवाने दे विच कामयाब होगा। रूपनगर तो कैमरामैन हैरी दे नाल सज्जन सिंह सैणी पंजाबी लोक चैनल।